नया तरीका, एक नया जीवन चालू करना चाहिए। देखो अभी एक वचन मुझे आ रहे हैं, मरकुस का सुसमाचार में, मरकुस का सुसमाचार का पहले वचन यही है कि प्रभु यीशु जो ईश्वर का पुत्र का सुसमाचार, ये मरकुस का सुसमाचार का खास ये है कि ईश्वर पुत्र, मरकुस का सुसमाचार का पहले यही बोलता है कि ईश्वर पुत्र प्रभु यीशु का सुसमाचार, ईश्वर पुत्र। लेकिन ईश्वर पुत्र सबसे पहले उनका रोजानी काम क्या करता है वो भी उसमें लिखा है, मरकुस का सुसमाचार अध्याय एक, मार्क चैप्टर वन वन, मरकुस सबसे पहला वाक्य है कि ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ, मरकुस ईश्वर का पुत्र। लेकिन मत्ती का सुसमाचार में ईश्वर के पुत्र नहीं बताया, मत्ती के सुसमाचार में क्या लिखा है कि अब्राहम का, मत्ती का सुसमाचार है इब्राहिम के संतान दाऊद के पुत्र ईसा मसीह का वंशावली। देखा तो मत्ती का सुसमाचार प्रभु यीशु का मनुष्य तुक मानवीयता के बारे में, प्रभु यीशु सचमुच मनुष्य बनकर आया उसके बारे में खास बताता है। लेकिन मार्कोस का सुसमाचार में प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र। लेकिन मैं अभी इसमें एक छोटी सी चीज बताना चाहता है, ये ईश्वर होते हुए भी इसका रोज का टाइम टेबल क्या है प्रभु यीशु का। प्रभु ने कहा कि मेरे साथ हो जाओ, मेरे साथ हो लो, फॉलो मी, तुम मेरे मुझे अनुकरण करो। तो हम लोग क्या करना चाहिए, प्रभु यीशु मनुष्य होते हुए भी और ईश्वर होते हुए भी पृथ्वी पर जब रहा कैसे उनका रोज का काम चालू करता था। 35 मरकुस एक 35 में बताया है, ये सचमुच पकड़ना चाहिए, प्रभु यीशु रोज कैसे उनका सवेरे चालू करता है। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर, कैसे है, बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। मुझे ये बात में बहुत आश्चर्य हुआ कि वो ईश्वर पुत्र होने के नाते भी उनको प्रार्थना करने का जरूरी है। तो हमारा क्या अवस्था है, वो ईश्वर पुत्र होने के नाते भी उनको रोजानी एकदम सवेरे उठकर प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि हम लोग सीखा है कृपा, कृपा मतलब क्या है, ईश्वरीय जीवन मानवीय जीवन पर मिलन होना चाहिए। तो प्रभु यीशु मनुष्य हैं और ईश्वर भी है, लेकिन रोज उनका ईश्वरीय जीवन से उनका मनुष्य जीवन पर कृपा भरना चाहिए। इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन पर परिवार लोग हैं हम लोग, परिवार का सब कुछ करना चाहिए, उसके साथ हम नौकरी करता होगा, उसके साथ प्रेरिदाई काम करता होगा, ये सब के लिए ईश्वरीय शक्ति का खास जरूरत है। वो सबसे पहले सुबह अभी जैसा हम लोग सीखा है ऐसा प्रार्थना करेगा तो पूरा दिन हम लोगों पर ईश्वरीय शक्ति मिलेगा और उसके द्वारा काम कर सकता है। हल्लेलुया। ईश्वरीय मनुवेल बना, मैं पापी उसका बेटा बना, पिता मेरे संग पुत्र मेरे संग, स्वर्ग का राज है मुझ में,
आत्मा पावन आत्मा अंतरयामी परमात्मा। ओके शाह जी, अभी हम लोग दूसरा एक सब्जेक्ट पर आगे बढ़ेंगे। ओके